हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत इस प्यारी सी ग्लैडोला स्टिक के साथ। आप सभी का नीतूज क्रिएटिव गार्डन में हार्दिक स्वागत। और सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट किया। आगे भी उम्मीद करती हूँ आपका प्यार मुझ पर इसी तरह बना रहेगा। पिछले वीडियो में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि टेरेस गार्डन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है और स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएं जिनसे हम कम स्पेस में अपने शौक पूरे कर सकें। तो उसी को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, यह है वर्टिकल गार्डनिंग, ये मेरा एंट्रेंस है। मुझे भी गार्डनिंग का शौक था, टेरेस पे तो मैंने अभी किया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। जब मेरे पास प्लांट्स ज़्यादा हो गए और मेरे पास जगह नहीं थी नीचे, तो मैंने ये जो सरिये थे, आयरन रॉड्स, इन्हें कील की हेल्प से फिक्स करके और वर्टिकल गार्डन बनाया। तो ये बिल्कुल मेरा एंट्रेंस है, जहाँ से एंटर होते ही वॉल पे हम वर्टिकली अपने प्लांटर्स प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कम खर्चे में इसी तरह के प्लांटर्स बना के और जो नॉर्मल प्लांटर्स थे उनको हैंगिंग प्लांटर्स में चेंज किया। ये देखिए, इन सब में पेंसिल्स लगे हैं और बिल्कुल एंट्रेंस में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जगह ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम धूप आती है, और वैसे भी देखें तो ग्राउंड फ्लोर पे धूप की थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है। तो यहाँ पर मैंने वो सभी प्लांट्स लगाए हैं जिन पे धूप की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये सिंगोनियम है, इस साइड मेरी कुछ सुबह 2-3 घंटे की धूप आती है, जैसा कि अभी सुबह का टाइम है, आधे पोर्शन में धूप है, तो इन पौधों को बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है। ये देखिए नास्ट्रेशियम, यहाँ पे देखिए ये मेरे गुलाब, गुलाब को धूप की ज़रूरत है, सुबह सुबह की धूप अभी इनके लिए काफ़ी है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इनको कम धूप मिल रही है, अभी तो ठंड का सीज़न जा चुका है, गर्मी में ये आराम से इस जगह पे चलेंगे, नेक्स्ट सीज़न मैं इन्हें कहीं और प्लेस कर दूंगी। ये देखिए पेंटास, यहाँ पे अभी धूप है। ये मेरा पोर्च एरिया है जहाँ पे मैंने सब इंडोर प्लांट्स रख रखे हैं। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि उनको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे इनको ब्राइट लाइट मिलती है तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। देखिए एंथूरियम, एंथूरियम के फ्लावर्स अपने आप में इतने खूबसूरत होते हैं कि लगता है देखते ही रहो, बिल्कुल हार्ट शेप के कोलियस है, इनको भी बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है। ये डेफनबेकिया की वेराइटी है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अब देखिए ये है पॉइंसेटिया, यहाँ पर इसको धूप कम मिल रही है, सेम इसी की कटिंग मैंने छत पर भी लगाई है, वहाँ पर धूप अच्छी है तो उनमें फटाफट कलर आ गए हैं, लेकिन अब इनमें कलर्स की स्टार्टिंग है। कोई बात नहीं, किसी में पहले आते हैं किसी में बाद में, लेकिन आएंगे सभी में। ये मेरा मनी प्लांट है, खूब अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ये बिगुनिया, बिगुनिया में भी आप देखेंगे फ्लावरिंग हो रही है, बिगुनिया में बहुत सारी वेराइटीज आती है। देखिए ये भी बिगुनिया है, ये बिगुनिया रेक्स की वेराइटी है, ये भी बिगुनिया रेक्स है, ये देखिए तुलसी। यदि आप अपने गार्डन की शुरुआत अभी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कहा जाता है बहुत लकी होते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि हम उन पौधों को लगा लेते हैं तो हमारी सोच इस तरह की हो जाती है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, इसीलिए हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और उन सब प्लांट्स को हमारे घर में इंक्लूड करना बहुत शुभ होता है। जैसे तुलसी का पौधा, फर्स्ट प्लांट आप तुलसी का पौधा लगाइए, उसमें भी दो वेराइटीज़ होती हैं, ईजीली ग्रोइंग है, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एस्टर, ये जब मैं नर्सरी में लेने गई तो एस्टर की सीज़न लगभग जा चुकी है, इसीलिए ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गए।
मैंने छत पे भी ग्रो किए, और कहा जाता है कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो उसको आप तेज धूप में रखिए, लेकिन नहीं, अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग कर चुका है तो आप उसको शेड में रखेंगे, कम धूप देंगे, सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप उसके लिए सफिशियंट होती है। जब मैंने छत पे रखे थे तो बस वही फ्लावर रहे और बिल्कुल प्लांट सूख गया। मैंने दोबारा से खरीदे, मैं वही प्लांट खरीदने की कोशिश करती हूँ जो बिल्कुल कह सकते हैं कि मरने की कगार पे होते हैं, और मेरा मोटिव ये होता है कि मैं उनको अपने एफर्ट्स डाल के और ज़िंदा करूँ, तो उसमें मुझे खुशी भी होती है और वो प्लांट्स मुझे काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने जो कटिंग से ग्रो किए थे, गुलदावरी, क्रिसेंथेमम भी बोलते हैं, वो सारे स्पेंट हो चुके हैं, मुझे नर्सरी में फिर दिखे। हालांकि ये लगभग सारे कलर्स मेरे पास हैं, लेकिन देखिए इसमें अभी बर्ड्स हैं तो ये कुछ लंबे टाइम तक मुझे और खुशी दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा परचेस कर लिया। और बहुत ही सस्ते, इवन मैं कहूँ तो 15 से 25 रुपए की रेंज में ये सब मिल जाते हैं। जब सीज़न होती है तब तो महंगे होते हैं, लेकिन अभी ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए। ऐसे ही देखिए ये पिटूनिया, इसको भी मैंने अपनी एंट्रेंस वॉल पे रखा है, तो आप देखिए ये भी बाहर से जब हम देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये एरिया मेरा बहुत छोटा एरिया है, लेकिन मन में इच्छा होती है कि करना है तो बस करना है, तो ऐसे ही आप छोटी जगह में अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन हो, बहुत ज़्यादा स्पेस हो, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।